बड़ी खबर रोमानिया से आ रही है, जहां पर रोमानिया की सेना का युद्धाभ्यास जारी है। टैंक और आर्म्ड व्हीकल से गोलीबारी का अभ्यास करते हुए वीडियो जारी किया गया। रोमानिया की सीमा पर सेना ने भारी तैनाती कर रखी है। अगली बड़ी खबर, बेलगोरोद में एयरबेस बना रहा है रशिया। यूक्रेन से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर यह निर्माण किया जा रहा है। 1800 मीटर लंबी हवाई पट्टी का भी रशिया निर्माण कर रहा है। बड़े बॉम्बर जेट्स को उतारने के लिए यह पूरी हवाई पट्टी बेलगोरोद में बनाई जा रही है। टारगेट फिक्स हो चुका है, बस ट्रिगर दबाने की देरी है। पूरे यूरोप में ऐसा विध्वंस मचेगा जिसपे नाटो का अंत तय माना जा रहा है। पुतिन ने इसी मंसूबे से एटमी ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें 4 देशों में तबाही फैलाने का पूरा इरादा तय कर रखा गया है। इसके लिए परमाणु ठिकानों को वॉर रेडी मोड में रख दिया गया है और ऐलान कर दिया गया है कि अगर रशिया और बेलारूस के खिलाफ नाटो ने कोई षड्यंत्र रचा तो परमाणु विकल्प आजमाने में देरी नहीं होगी। यानी यूरोप में परमाणु तबाही बस एक कदम दूर है। अब सवाल यह उठ रहा है कि वो विध्वंसकारी कदम कौन आगे बढ़ाता है, रशिया या फिर नाटो। बस एक कदम और यूरोप में परमाणु विस्फोट। अब सवाल उठ रहा है कि इतना विध्वंसकारी कदम कौन उठा सकता है। इसमें दो नाम सामने आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन या फिर जो बाइडेन। दोनों की तैयारी इस कदर है कि अगर युद्ध में परमाणु बम का विकल्प आया तो मिनटों में तबाही मचाई जा सकती है। इसके लिए टारगेट तय हो चुके हैं, बस ट्रिगर दबना बाकी है। और ट्रिगर का काम कर रही है नेटो की वॉर ड्रिल। जो एकदम सवाल की कॉरिडोर के पास हो रही है, जिसमें बाल्टिक देशों के अलावा पोलैंड की सेना भी शामिल है। युद्धाभ्यास सुवालकी के पास होने से बेलारूस भड़का हुआ है। बेलारूस के भड़कने का मतलब है रूस की नाटो से युद्ध की शुरुआत। पोलैंड में परमाणु बेस बनाकर अमेरिका पहले ही तैयारी कर चुका है। यानी रूस ने जैसे ही मिसाइल दागी, अमेरिका पोलैंड में अपने एटमी बेस को वॉर रेडी कर देगा। रूस के इरादे कितने खौफनाक हैं, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में ये सामने आया है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकी सेना के पूर्व एडमिरल माइक हेविट ने कहा है कि पुतिन नाटो के लिए खतरा है और वो परमाणु हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन के टारगेट पर नेटो देश हैं, ये तो साफ है कि यूक्रेन और नॉर्डिक देशों के रुख से पुतिन थमथमाए हुए हैं। लेकिन रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। पुतिन रूस के विस्तार को बाल्टिक की तरफ बढ़ाने वाले हैं। एक बार ये हो जाएगा तो फिर नेटो में जाने वाले स्वीडन और फिनलैंड पर हमले की तैयारी की जाएगी। पेंटागन की रिपोर्ट में और कुछ क्या है ये समझिए। पुतिन ने क्रेमलिन में सीक्रेट मीटिंग की, जिसके बाद नेटो को परमाणु हमले की धमकी दी। पूर्व एडमिरल माइक हेविट के मुताबिक इस महीने ही यूक्रेन का सरेंडर कराया जा सकता है, जिससे पुतिन यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। और ऐसा अगले 7 दिनों में हो सकता है, क्योंकि 7 दिनों के अंदर यूक्रेन को अमेरिका से पहली खेप मिल जाएगी, जिसके बाद यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव 2.0 आगे बढ़ाएगा।
हो सकता है वो क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा करे। अमेरिका ने हथियारों से पहले सैनिक और कुछ अधिकारी यूक्रेन भेज दिए। बताया जा रहा है कि पश्चिमी यूक्रेन में रहकर क्रीमिया पर कब्जे की प्लानिंग की जा रही। 61 बिलियन डॉलर का पैकेज देकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन मोर्चे पर गंभीर है। वो किसी भी कीमत में यूक्रेन को पुतिन की यूरोप विजय का गेटवे नहीं बनने देगा। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक अगर अमेरिकी सैनिकों ने हथियार मिलने से पहले ही हमले शुरू कर दिए तो रूस को नेटो देशों पर हमले का मौका मिल जाएगा। इसलिए अमेरिकी सेना तभी तक खामोश है जब तक यूक्रेन में हथियार नहीं पहुंच जाते। वेस्ट बैंक इसलिए चुना है कि वहां से बाल्टिक देशों और पोलैंड की सुरक्षा भी की जा सकती है, क्योंकि ये चारों देश ही यूक्रेन के बाद रूस के अगले टारगेट हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से देश हैं जहां पर रशिया सबसे पहले एटमी हमला कर सकता है। सबसे पहला नाम है पोलैंड का, जिसके रूस के आर्कटिक बेस कोला से दूरी लगभग 1980 किलोमीटर है। इसके बाद 1526 किलोमीटर दूर बाल्टिक देश लिथुआनिया पर कोला एटमी बेस से मिसाइल दाग सकता है। फिर 1333 किलोमीटर दूर लातविया पर भी परमाणु हमला कोला बेस से किया जा सकता है। इसके बाद एस्टोनिया का नंबर है, जो कि आर्कटिक से लगभग 1152 किलोमीटर दूर है। इसी तरह बेलारूस में तैनात परमाणु हथियारों से भी हमला किया जा सकता है, जिसमें 731 किलोमीटर दूर पोलैंड पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह से 203 किलोमीटर दूर लिथुआनिया बेलारूस के एटमी बेस के टारगेट पर मौजूद है, जबकि 385 किलोमीटर दूर लातविया भी परमाणु हमले की जद में है। 591 किलोमीटर दूर एस्टोनिया में भी बेलारूस से परमाणु मिसाइल छोड़कर तबाही मचाई जा सकती है। सिर्फ पेंटागन की रिपोर्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञ ये मान चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध नेटो वर्सेस रूस में बदल चुका है। इसमें पुतिन के पास परमाणु बम के इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। खास बात यह है कि रूस पहले टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, उसके बाद जरूरत पड़ी तो ICBM के जरिए नेटो के शक्तिशाली देशों पर हमला कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल के दौरान भारत, फिलीपींस, मिस्र और जाम्बिया में रह चुके अमेरिका के पूर्व राजदूत फ्रैंक विस्नर भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। पुतिन की बदली रणनीति से सबसे ज्यादा घबराहट बाल्टिक देशों और पोलैंड को है, क्योंकि ये देश तीन तरफ से एटमी बेस से घिर गए हैं। कैलिनिनग्राद बेस, बेलारूस एटमी बेस और रूस एटमी बेस। इसके अलावा रूस ने बाल्टिक देशों के पास समंदर में युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर दी है, यानी बाल्टिक देश और पोलैंड कहीं से भी नहीं बच सकते। ठीक यूक्रेन वाला हाल है। यही वजह है कि रूस को ताकत दिखाने के लिए नेटो सेना सुवालकी गैप के पास युद्धाभ्यास कर रही। जिसमें बाल्टिक देश और पोलैंड की सेना है और इन्हीं देशों के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पोलैंड के प्रेसिडेंट एंड्रेस ड्यूडा ने कहा है, पोलैंड पर किसी भी तरह का हमला परमाणु युद्ध का ट्रिगर होगा। हमारे पास परमाणु हथियार हैं जिसे हमने बॉर्डर पर लगा दिया है, और हमारा बॉर्डर अब नेटो बॉर्डर है, यानी युद्ध की स्थिति में पोलैंड नहीं बल्कि नेटो युद्ध लड़ेगा।
इस बीच रूस के सामने एक बड़ी परेशानी है कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और यूक्रेन पर हमले से रूस की ताकत घट रही है। ऐसे में अमेरिका से यूक्रेन को हथियार मिल गए तो रूस के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और पुतिन ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, फिर चाहे पूरे यूरोप में परमाणु विस्फोट ही क्यों ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।